जिला रायबरेली के थाना महाराजगंज का चर्चित फूल झाड़ू बीज नकली जीरा बरामदगी मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामशंकर वर्मा ने कहा है कि प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही समझ से परे है, क्योंकि नकली जीरा यानी फूल झाड़ू के बीज को आज तक सरकारी तौर पर खरीद फरोख्त पर कभी रोक नहीं लगाई गई, ना ही इसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की सूची में रखा गया है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा यह तर्क देकर कि इसका उपयोग मिलावटी जीरा बनाने में किया जा रहा है, यह कहकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। श्री वर्मा ने कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है, केंद्र व प्रदेश सरकारों का कोई भी ऐसा आदेश निर्देश नहीं है कि जिसमें फूल झाड़ू के बीज को खतरनाक पदार्थ के रूप में घोषित करके उस पर रोक लगाई गई हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा नियम था तो पहले शासन प्रशासन को बाकायदा इसका प्रचार प्रसार करके इसके खरीद फरोख्त और उपयोग पर रोक लगाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी के इस दौर में गरीब मजदूर पेशे के लोग पेट पालने के लिए दो दो चार चार किलो फूल झाड़ू के बीज को एकत्र कर बेचते थे। इस कार्यवाही के तहत छोटे छोटे व्यापारियों समेत मजदूरों को पीड़ित किया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रकरण में गहराई से जांच कराकर व्यापारियों और मजदूरों का हो रहा उत्पीड़न बंद कराया जाए। रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। वर्मा जी, फूल झाड़ू प्रकरण आजकल महाराजगंज में तेजी से चल रहा है, उसमें कई व्यापारियों से कई कुंतल माल पकड़ा गया है, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रकार का ये फूल झाड़ू, झाड़ू का फूल जी, अखाद्य पदार्थ में नहीं आता है, ना ही इसमें कोई जहरीला है जी, पर है इसको जानवर भी खाते हैं। इस ये खेत की मेड़ पर और नहरों की पटरियों पर अपने आप उगता है। ये एक औषधीय पौधा है जी, लेकिन दुर्भाग्य से रायबरेली के प्रशासन ने इसको जहरीला पदार्थ बता करके नकली जीरा शब्द का एक नया प्रयोग किया है, जबकि इसका कहीं इस प्रकार से प्रयोग नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सरकारी नोटिफिकेशन में इस प्रकार का विवरण नहीं आया है कि ये जीरा अखाद्य है या जहरीला है जी। तीसरी बात यह है कि न तो प्रशासन ने इस प्रकार का कोई घोषणा की जिसके द्वारा ये पता चले कि इसको इस पर रोक लगा क्यों नहीं लगाएगी। चौथी चीज ये है कि हर प्रकार की नौटंकी करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जहरीला पदार्थ है। ये भी प्रदर्शित किया गया कि व्यापारियों के यहां अलग से यहां बिक रहा था। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि किसने बेचा और किसने खरीदा जी, ये तमाम सारे विवरण आने चाहिए जी। वर्मा जी, फिर इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों के व्यापारियों के यहां पाया गया तो इसका क्या होता होगा, एक अनुमान? इसका औषधि में कोई प्रयोग होता होगा ये मुझे नहीं पता है कि कहां इसका प्रयोग होता है, लेकिन प्रयोग तो निश्चित रूप से होता ही होगा जी, कहीं ना कहीं प्रयोग होता होगा। और इतनी मात्रा में पैदा हुआ, क्या इसको पैदा करने में कोई रोक लगाएगी जी? अगर रोक लगाई गई होती तो ये पैदा न होता। दूसरी चीज ये है कि अगर पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं बिकेगा जी, और जहां कहीं बिकेगा, अगर मान लीजिए वो कोई अपराध कर रहा है तो इसमें जहां पैदा हो रहा है उन किसानों का भी अपराध माना जाना चाहिए। बिल्कुल, उन किसानों को तो स्पर्श किया नहीं गया जी, उन व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है जिन्होंने इस माल को खरीदा। मेरा प्रदेश और देश की सरकार से आग्रह है कि स्पष्ट रूप से ये किसी न किसी उसमें घोषित करे कि ये जीरा, ये नकली जीरा शब्द जी का प्रयोग करके ये घोषित करे कि ये वास्तव में नशीली चीज है या जीवन में खाने वाले लोगों के लिए हानिकर है।
वर्मा जी हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।